कबूतर का पर भी मादी से ज़्यादा चौड़ा है। और आखिरी पर देखें माशाल्लाह, और ये देखें यहाँ पे स्लेटी पर, देखें स्लेटी पर की बड़ी बात होती है, ये देखें ठीक है, ये वाला स्लेटी पर नूर कैसे जूम इन जूम आउट देखें, और धूप में इसका नूर जो है बिल्कुल बारीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक रिंग नज़र आ रहा होगा, फिर जो वजूद है ना उस हिसाब से इनका वेट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक बड़ा कामयाब जोड़ा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी कोशिश करनी चाहिए, तो 80 से 90% कोशिश यही होती है कि जोड़ा जो है ना, सबसे पहली चीज़ है अपना बच्चा घर बिठाए, सेकंड उसके बाद जो ऑप्शन है वो है प्रवास की। हमेशा जो है ना अच्छी चीज़ को ही लकवा होता है, ठीक है। ये देखें जितने भी लकवे वाले आज दिखाऊंगा ना, इसके बाद आपको एक और फीमेल का माशाल्लाह शौक करवाऊंगा, वो भी फीमेल देखिएगा और सब भाइयों ने बताना वो कैसी। और पहले आप ये लकवे वाला जोड़ा आपके भाई ने लगा दिया है, कमगर फीमेल है, साथ इसके टैडी कबूतर का क्रॉस लगाया है, दोनों ही पक्की कसर में है, ठीक है। देखें माशाल्लाह, अब ये इंशाल्लाह ताला जब बच्चे निकालेंगे तो इंशाल्लाह इनके बच्चे अपनी छत पर हम उड़ाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग फीमेल है, इसकी आँख का शौक करवाता हूँ दोस्तों को, आप सब ने बताना है कि ये फीमेल कैसी है, ठीक है। ये अब आप लोगों ने बताना है कि अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सोना पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक खैर खरियत से होंगे। ले जी आपका सोना भाई आज एक लकवे वाले जोड़े का माशाल्लाह शौक करवाएगा आप दोस्तों को। ये मैंने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही जोड़ा जो है ना पेयर अप किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह से जोड़ा लग भी गया, और मज़ेदारी की बात यह है कि दोनों को ही पक्की कसर है, ठीक है। तो अभी आपको बताऊंगा मैं, इनका शौक भी करवाऊंगा कि ये क्या सिस्टम है, किस ब्रीड से रिलेटेड है ये। ये माशाल्लाह मेरे हाथ में जी कमगर फीमेल है, 110% माशाल्लाह इस फीमेल के बच्चों का मेरे पास रिजल्ट है, ठीक है। और ये कबूतर भी माशाल्लाह डैडी कबूतर है मेरे हाथ में, बड़ा बहुत VIP किस्म का माशाल्लाह, जितनी इनकी तारीफ़ की जाए ना उतनी कम है। और इतनी नरमा मुलायम रेशम की तरह फीमेल है कि हाथ में पकड़ी है और इसके पार उतरने शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसके अलावा भी मेरे पास 2-3 परिंदे मजीद बल्कि के मादियाँ ही हैं, हाँ 2 मादियाँ मेरे पास हो रहे हैं जो कि पक्की कसर में हैं। और आप यकीन करें मैं अभी आपको वीडियो में उनका शौक करवाऊंगा, तो आप कहेंगे कि सोना भाई हमेशा अच्छी चीज़ को ही क्यों लकवे वगैरह की शिकायत होती है, तो ये कुदरती बात है, हमेशा बीमारी में परिंदा वही जाता है जिसमें कोई ना कोई बात, कोई ना कोई खासियत होती है, ठीक है जी। तो बड़े ही वेटलेस कबूतर हैं, जितना बड़ा इन दोनों का वजूद है ना उस हिसाब से इनका वेट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक बड़ा कामयाब जोड़ा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी कोशिश करनी चाहिए, तो 80 से 90% कोशिश यही होती है कि जोड़ा जो है ना सबसे पहली चीज़ है अपना बच्चा घर बिठाए, सेकंड उसके बाद जो ऑप्शन है वो है प्रवास की, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये घर भी बिठाएंगे और बच्चों को इंशाल्लाह ताला आगे से प्रवास में रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि अब माशाल्लाह धूपें छुपने लगनी शुरू हो गई हैं, मौसम काफ़ी हद तक जो है ना खुलता जा रहा है, और आज माशाल्लाह बहुत तेज़ धूप लगी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह परिंदों से भी फील हो जाता है कि धूप लगने की वजह से परिंदों का भी जो जिस्म फूल जाता है अच्छा महसूस करते हैं, जो कबूतर फूल कर बैठे होते हैं वो बाद में जो है अपने आप को जो है ना अच्छी तरह कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो धूप लगवाया करें परिंदों को, क्योंकि पीछे सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ी है, कोहरा इतना पड़ा है कि बहुत ज़्यादा भाइयों की यही शिकायत आ रही थी कि सोना भाई कबूतर ना फूल कर बैठते हैं, जब हम उनको पकड़ते हैं तो उन्होंने हड्डी निकाली होती है, सबसे पहली चीज़ है सर्दी का अटैक होता है उनके ऊपर, उस वजह से कबूतर अंदर सर्दी महसूस करता है, उसका कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता, तो फिर वो आगे जो है ना सोकड़े का शिकार होना शुरू हो जाता है। फूल कर बैठा होता है हमें पता ही नहीं चलता उसको मसला क्या है, जब तक हमें मसले का पता चलता है 2-3 दिन गुजरते हैं, हम कबूतर को पकड़ के चेक करते हैं नीचे उसकी हड्डी निकली होती है, तो फिर वो बहुत लेट हो जाता है, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है धूप लग गई है माशाल्लाह। बाकी ये मेरे हाथ में बड़ा VIP लेवल का जोड़ा है, अभी मैं आपको इसका शौक करवाता हूँ और ये आपको जोड़ा छोड़ कर भी दिखाऊँगा, और इसके अलावा जो 2 परिंदे मेरे पास और लकवे में है मैं उनका भी शौक करवाऊँगा। इनमें से कोई भी परिंदा मेरे किसी भाई को चाहिए हो या ये वाला जोड़ा चाहिए हो, ये ऐसे ब्रांडेड हैं कि यकीन करें, मैं भी आपको शो करवाता फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इस कैटेगरी के परिंदे वाले, पहले बल्कि इस आपको कमगर फीमेल का ही पहले शो करवाता हूँ मैं। ले जी शौक करें माशाल्लाह। और मैं एक मज़ेदारी की बात बताऊं, इसको पक्की कसर है, ठीक है। ये अब हाथ में पकड़ी है तो गर्दन घुमा रही है, लेकिन ये आपने ही बताना है ये कैसी ब्रांडेड चीज़ है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, ठीक है। पहले आप इसका पूरा कलर शलर देखें, ये बच्चा भी पाल लेती है लेकिन मैं इसके नीचे अब बच्चे पलवाता नहीं हूँ, ठीक है। और सेकेंड ये अंडे बच्चे भी करती है माशाल्लाह, और आपको मैं इसकी आँख का शौक करवाता हूँ। आप यकीन करें हमेशा उसी चीज़ को जो है ना कोई परेशानी कोई मसला आता है जिसमें कोई ना कोई बात होती है, ठीक है। ये मेरे पास जब पहले मौजूद थी ना तो बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद जनाब इसको लकवा हुआ है, ठीक है, लकवे के बाद जो है ना सॉरी झोला हुआ है, झोले के बाद ये पक्की कसर में चली गई। आप इसकी आँख का शौक करें, चेक करें ज़रा इसकी आँख, इसके रिंग शिंग, इसके ज़रात देखें इसकी आँख में माशाल्लाह। और आप यकीन करें इतनी को वापसियाँ इसके बच्चे की, इतनी को वापसियाँ
जूम इन जूम आउट देखें काले नूर का, जब ये पलक झपकती है तो इसकी आँख के अंदर जो काला नूर है उसका छोटा होना और बड़ा होना देखें माशाल्लाह, छोटा बड़ा कैसा काले नूर को कर रही है ये देखें। जब ये पलक झपक के वापस खोलती है तो काला नूर कैसे जूम इन जूम आउट देखें, और धूप में इसका नूर जो है बिल्कुल बारीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक रिंग नज़र आ रहा होगा, फिर ज़रात हैं पलके देखें, ये बहुत खूबसूरत फीमेल है, ठीक है। ये अब मैं आपको इसका कुंदा दिखाता हूँ, आपके भाई ने इनका जोड़ा लगा दिया, ये जनाब लकवे वाला जोड़ा लगाया है, और इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका भाई अपनी छत के ऊपर ही, अगर तो किसी भाई को ये जोड़ा चाहिए होगा तो उसको मिल भी जाएगा, नहीं तो अपनी छत के ऊपर इनका बच्चा उड़ा कर दिखाएगा। इसके कुंदे की कस्से देखें, इधर से ये इसने एक पार गिराया हुआ है, बाकी इसके कुंदे की कस्से देखें, आखिरी पार देखें इसकी, बड़ी बैलेंस में फ़ीमेल है ये देखें, बड़ी फ़ीमेल है। और जनाब जब इसको लकवा हुआ था ना तो दुख बड़ा हुआ था मुझे, लेकिन अभी आपको ये छोड़कर दिखाते हैं, बिल्कुल सीधी खड़ी होती है देखें माशाल्लाह। हमेशा जो है ना मैं वही बताता हूँ, अच्छी चीज़ को ही कोई ना कोई मसला होता है, ठीक है जी। ये एक मगर फीमेल, इसका शौक कराया, अब जो मैंने इसके साथ जो कबूतर लगाया ना मैं आपको उसका शौक करवाता हूँ। बड़े बड़े भाइयों के पास बड़े बड़े अच्छे परिंदे हैं जो लकवे जो लेगा शिकार हो जाते हैं और फिर जल्दी कवर नहीं होते, कुछ तो एक्सपायर हो जाते हैं। हड्डी जोड़ बड़ा मजबूत, ये देखें ये लंबी हड्डी और तंग जोड़ है, और पंजों का कलर दोस्तों ने देख लिया, ठीक है जी। अब मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ जो इसके साथ मैंने टैडी कबूतर सेलेक्ट किया, ले जनाब ये है टैडी कबूतर माशाल्लाह, ये भी पक्की कसर में है, जिसे कहते हैं क्रॉस में जोड़ा लगाना, ठीक है। ओरिजिनल जो क्रॉस में जोड़ा लगता है ना वो इस कैटेगरी का लगता है, ठीक है। दोनों की नस्लें सेम ना हो पहली चीज़ तो ये है, और दोनों की ब्लड लाइन अच्छी हो, और दोनों ही प्योरिटी के अंदर होने बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है। चेक करें ज़रा आप इसका कलर शलर देखें, कलसीरा कलदुम्बा बहुत ही लेवल का माशाल्लाह, और यकीनन ये इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है ये बहुत बच्चा उसके साथ उड़ाएगा। आपको मैं इसकी आंख दिखाता हूँ, मादी की आंख तो सब भाइयों ने देख ली है ना, अब आप इस कबूतर की आँख देखिएगा ज़रा, थोड़ा सा मैं ज़रा क्लियर करके दिखाता हूँ, ये देखें ओरिजिनल बोस की आँखों का कबूतर है ये माशाल्लाह। और जब अब ये इसको मैंने पकड़ा है ना हाथ में तो ये भी फुल गुस्सा कर रहा है मेरे हाथ के अंदर, तो आप गौर करें धूप के अंदर इसका भी नूर देखें कितना छोटा हो गया। जो अच्छा क्रॉस में जोड़ा लगाना है ना वो इस तरह का लगाया करें ताकि आगे से आपको बच्चों का रिजल्ट भी मिले, ठीक है। देखें माशाल्लाह टैडी प्लस कमगर पेड़ लगाया क्रॉस में आपके भाई ने, और इंशाल्लाह ताला आपको मैं इनके बच्चे उड़ाकर दिखाऊँगा अपनी छत के ऊपर अगर अल्लाह ने चाहा, और ये ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे। अभी तो दो दिन हो गया जोड़ा लगाए को, ये देखें आप माशाल्लाह, पर कुंदा देखें ज़रा, इसके भी आखिरी पर चेक करें, तीली में शाइन देखें, देखें माशाल्लाह किस कैटेगरी के ये बच्चे निकालेंगे आप खुद ही सोचें, एंड कर जाएंगे इनके बच्चे माशाल्लाह। मादी की बगलें जो है ना इतनी घनी नहीं है, कबूतर की बगलें ज़्यादा घनी है, ठीक है जी। उसके बाद कबूतर का पर भी मादी से ज़्यादा चौड़ा है, और आखिरी पर देखें माशाल्लाह, और ये देखें यहाँ पे स्लेटी पर देखें, स्लेटी पर की बड़ी बात होती है ये देखें, ठीक है ये वाला स्लेटी पर देखें, ठीक है। और इसका टेल का बैलेंस देखें, कलसीरा कलदुम्बर माशाल्लाह कबूतर है ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। कबूतर की हड्डी थोड़ी सी मादी से ना छोटी है, ठीक है। अब चार उंगलियों की तो है लेकिन पौने चार उंगलियाँ कह सकते हैं, ठीक है, साढ़े तीन से थोड़ी बड़ी है, लेकिन जोड़ इसके अच्छे हैं माशाल्लाह, और मादी के जोड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ले जी ये लकवे वाला जोड़ा है, बल्कि मैं आपको ये अभी ना जोड़ा दिखाता हूँ कि जोड़ा किस कैटेगरी का ये। ले जनाब ये है जी इस जोड़े की मस्तियाँ माशाल्लाह, लकवे वाला जोड़ा आपके भाई ने लगा दिया है, कमगर फीमेल है, साथ इसके टैडी कबूतर का क्रॉस लगाया है, दोनों ही पक्की कसर में है, ठीक है। देखें माशाल्लाह अब ये इंशाल्लाह ताला जब बच्चे निकालेंगे तो इंशाल्लाह इनके बच्चे अपनी छत पे हम उड़ाएंगे, और ये जनाब अंडे उतारती है और बच्चे भी पालती है, इस कंडीशन में ये बच्चे पालती है, ठीक है जी। अब ये इसके पास जाओ ना तो गर्दन फेंक देती है, ये देखें जैसे इसने अभी फेंकी हुई है, ये देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको छोड़ो, इससे थोड़ा सा दूर हटो तो जनाब ये गर्दन सीधी कर लेती है, बड़ी सियानी फीमेल है और बड़ी ही माशाल्लाह अच्छी ब्रीडर फीमेल है माशाल्लाह, ठीक है जी। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, ले जनाब एक ये मेरे हाथ में माशाल्लाह चुई फीमेल है माशाल्लाह, ये मेरे घर की होम ब्लड लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। और इसको भी जनाब लकवा हो चुका था, ठीक है, सियालकोटी ब्लड लाइन में से है जी, सियालकोटी चूहे कबूतर हैं ये, ठीक है। देखिए इसको भी जी लकवा हो चुका था, तो अल्लाह पाक ने इसको भी समझ लो दूसरी ज़िंदगी दी है, लेकिन ये भी अब पक्की कसर में जा चुकी है। इसका भी आपको शौक करवाता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी दोस्तों को बताया, हमेशा जो है ना अच्छी चीज़ को ही लकवा होता है, ठीक है।
ये देखें जितने भी लकवे वाले आज दिखाऊंगा ना, इसके बाद आपको एक और फीमेल का माशाल्लाह शौक करवाऊंगा, वो भी फ़ीमेल देखिएगा और सब भाइयों ने बताना वो कैसी। और पहले आप ये फ़ीमेल देखें माशाल्लाह, कद काट देखें इस फीमेल का माशाल्लाह से, ठीक है। ये नयाब चीज़ें आपके भाई ने संभाली हुई हैं, अगर किसी भाई को ये भी चाहिए होगी तो ये भी मिल जाएगी यार। आप इसके पंजे देखें, इसका तो माँ बाप भी मेरे पास मौजूद है, चेक करें ज़रा, ठीक है जी। बहुत ही ज़्यादा VIP क्लास की ये फ़ीमेल है और ये भी अंडे बच्चे करती है माशाल्लाह, बच्चे भी पालती है इसी कंडीशन में और जनाब ये अंडे भी उतारती है, ठीक है जी। शौक करवाता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे सारे इसके स्लेटी मोती हैं माशाल्लाह, स्लेटी चूहे कह सकते हैं इनको हम, इसको भी जनाब साहब लकवा हो गया, ठीक है जी, पक्की कसर में है ये भी। शौक करें ज़रा इसकी आँख का भी, धूप अल्लाह पाक ने आज बहुत अच्छी निकाली है और आज आपको दोस्तों को शौक करने का मज़ा भी आएगा। लें जनाब ये जी स्लेटी चूही फ़ीमेल का शौक करवा रहा हूँ दोस्तों को माशाल्लाह, पलके देखें और इसको जनाब पक्की कसर है पक्की, ठीक है जी। जैसे इसके यहाँ पे ये स्लेटी जो है ना वैसे ही इसकी आँख का कलर है, ठीक है, बहुत नयाब चीज़ है ये। मैं भी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मेरा कैमरा पता नहीं वो दिखा पा रहा भी है कि नहीं, माशाल्लाह बहुत बहुत VIP क्लास की चीज़ है, ठीक है जी। अब मैं आपको इसका कुंदा दिखाता हूँ, मैंने कहा दोस्तों को जो ना लकवे वाले कुछ कबूतर पड़े हैं उनका शौक करवाते हैं। ये देखें माशाल्लाह बगले देखें इसकी कहाँ पे जा रही हैं, बगलों का चढ़ाव चेक करें, परों में ट्रांसपेरेंसियाँ चेक करें और चील जितने बड़े कुंदे लगे हुए हैं इसको चेक करें ज़रा। और ये देखें यहाँ पर भी स्लेटी, ठीक है, पा रहे हैं दो माशाल्लाह। और ये इस कबूतरी की टेल शेल है, दूसरी साइड का कुंदा भी दिखाता हूँ, इसके बाद आपको एक और कबूतरी ला के उसका भी शौक करवाता हूँ, ठीक है जी। हड्डी जोड़ बहुत परफेक्ट है और यहाँ से ये सियालकोटी कबूतर आपको पता है बहुत परेल होते हैं और यहाँ से देखें ये कितनी परेल है, बल्कि ये भी मैं आपको छोड़कर दिखाता हूँ, अभी आपको एक और मादी का शौक करवाता हूँ। लें जी ये मेरे हाथ में माशाल्लाह एक और फीमेल है, चेक करें आप फीमेल का कलर शलर देखें, बहुत नया फीमेल है ये भी और कुदरती बात है इसको भी पक्की कसर है और ये तो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग फ़ीमेल है। इसकी आँख का शौक करवाता हूँ दोस्तों को, आप सब ने बताना है कि ये फ़ीमेल कैसी है, ठीक है, ये अब आप लोगों ने बताना है कि है ब्रांडेड चीज़ें या नहीं, ठीक है। इसकी आँख का कलर देखें ज़रा, ठीक है जी। ये भी मेरे पास एक टैडी जोड़ा था, ये आगे से उसकी पट्टी है, अली वाला कबूतर था, साथ उसके टैडी मादी लगी हुई थी तो वो जोड़ा ही मर गया अंडों के ऊपर, उन्होंने उनके मैंने अंडे फेरे, अंडों के बाद जनाब ये पट्टी निकली उनमें से, ये अल्लाह पाक ने इसको पाला, ठीक है, इसके मैंने अंडे शंडे फेर दिए, उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि दो अंडे निकले थे तो जोड़ा दो अंडे दे के अंडों पर मर गया, पता नहीं उसको क्या हुआ जोड़े को, चेक करें आप पर कुंदा देखें ज़रा, जितने मर्जी चौड़े पर के साथ ये वाला पर लगा के आगे बच्चे आप बैलेंस कर सकते हो, चेक करें आप माशाल्लाह। और एक एक दो दो नहीं तीन तीन स्लेटी पा रहे हैं इसके माशाल्लाह, बड़ी नयाब पट्टी है ये। और ये मेरे पास ये वाइब्रेशन देखें इसके कुंदे के अंदर, और इसको भी पक्की कसर है, ठीक है, और बहुत लाजवाब बहुत ही उम्दा चीज़ है माशाल्लाह से। अभी आप सब भाइयों ने बताना है कि इनमें से आपकी फेवरेट मादी कौन सी है तीनों मादियों में से, और जो आपके भाई ने जोड़ा लगाया क्या वो जोड़ा अच्छा लगाया। और ये देखें टेल देखें माशाल्लाह, कलसीरी कलदुम्बी मादी है और बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है ये, ठीक है जी। इसके भी पंजों का कलर देखें और माशाल्लाह हड्डी जोड़ बहुत परफेक्ट है। अब मैं जनाब आपको ये छोड़कर दिखाता हूँ। ले जनाब ये अंदर केज में छोड़ दिया दोनों मादियाँ, अब मादियाँ देखें ज़रा, एक ये जी चूही मादी और एक ये टैडी मादी, माशाल्लाह कलर शलर देखें। ये होते हैं ब्रांड भाईजान जो संभाल के रखे हुए हैं, चीज़ हमेशा मेहनत से बनती है, जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा, ठीक है, इनको हम ऐवी समझ के अगर इनको ज़ाया कर देंगे, ठीक है, तो मज़ीद जो है ना इनसे इन पर मेहनत करके इनसे कुछ ना कुछ हमें बनाना चाहिए, ठीक है, कि आगे ब्रीड में इनको इस्तेमाल किया जाए। बाकी आप देखें माशाल्लाह चीज़ें चेक करें, आपको पता चलेगा कि सोना भाई ने कैसे संभाल संभाल के रखी हैं, ठीक है जी। ये आज की वीडियो थी जी, आज का कॉन्टेंट था, आप सब भाइयों ने ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तो जो भाई भी चैनल पर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये देखें आप, अब मैं इस जोड़े से थोड़ा सा दूर हटाऊं तो मादी ने अपनी गर्दन भी सीधी कर ली है और माशाल्लाह कबूतर जो है ना मादी से अंडे भी मांगने शुरू हो गया। ये देखें ये क्रेट में भी अंदर बाहर आ जा रहे हैं। ये जी लकवे वाला जोड़ा लगाया आपके भाई ने बड़ा ही बेहतरीन करके, क्रॉस में कमगर फीमेल लगाई है, कसूरी कमगर, और साथ इसके मैंने टैडी कबूतर लगाया। तो आप लोगों ने बताना है ये लकवे वाला जोड़ा जो मैंने सेट किया है क्या ये जोड़ा अच्छा लगाया या नहीं, ठीक है जी। तो ये आज की वीडियो थी, आज का कंटेंट था, इजाजत दें अपने सोना भाई को, अल्लाह हाफिज़।